अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। जो नहीं ठीक, जो नहीं खुश, अल्लाह पाक उनको तंदरुस्ती दे और बहुत सी खुशियाँ दे। तो जी, आज का जो सीन है, आज का सीन बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। ये सीन काफ़ी दिन पहले हो जाना था, क्योंकि एक भाई हैं, उन्होंने हमें कुछ पैसे भेजे हुए थे। वो किस मकसद के लिए भेजे थे ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। तो जी, ये मैं आपको बताऊँगा आगे, वो आपको नज़र आ जाएगा। बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मैं अभी अभी उठा हूँ और हीना और शाहिद का वेट कर रहा हूँ। जैसे वो जी रेडी शेडी होते हैं, मैं भी रेडी हो जाऊँ, कपड़े शपड़े चेंज कर लूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। 2000 years later जी, तो गाइज ये फाइनली हम लोग मेट्रो पहुंच चुके हैं और इसकी भाई चेक करो, बड़ी खुश बैठी हुई है। हीना साहब जी, एक शर्त है, 10,000 की मैं तुम्हें चीजें ऐसे नहीं दिलवाऊंगा, मैं अपनी मर्जी से लूंगा। तुमने तुमने मैं नहीं कर दूं, मेरा पैडी कर दो। नहीं नहीं, कुछ भी ना करो, बस मैं चीजें अपनी मर्जी से लूंगा। और तुमने एक रुपए की भी कोई एक टॉफी भी अपनी मर्जी से नहीं उठानी। चलो मैं ये चैलेंज तो कर सकती हूँ कोई। हाँ चलो चलो ठीक है, सजेस्ट कर लो, लेकिन ये नहीं कहना कितनी क्वांटिटी में, क्वांटिटी मेरी मर्जी की होगी, चाहे मैं एक लूँ चाहे मैं आधी लूँ। ठीक है बाबा जी, इधर सारा कुछ मेरी मर्जी का ही है। शाही साहब इधर लगा दो। शाही साहब ऐसे आपको, आप हंस क्यों रहे हो, क्या बात है? बस क्या सरप्राइज मिलने वाला किसी को? yes. okay, किसी को अच्छा से ये तुम्हारी सरप्राइज की बात कर रहा कुछ अच्छा, सोच के मुझे ना वैसे गड़बड़ लग रही है लिया। और क्या गड़बड़? नहीं गड़बड़ भाई, अभी जाके चीज एक मिनट रुक जा, मैं तुम्हें कैश तुम्हें शो करवा दूं। ये देखो भाई, ये बकाया पैसे जरा छुपा लू ना, नहीं तो फिर नजर लग जाएगी। उसकी नजरें बड़ी तेज ऑफर से आना, तो बहनों की नजरें 10,000 रुपया लेनी है। चलो चलो ये गेट ऑन करो आगे, अब भाई यही मैं गेट अपना इससे ओपन करवाऊंगा। नहीं नहीं, बेबी लॉक लगा हुआ उधर, सही कह रही है। चलो वो खोलता, तुम मेरा दरवाजा खोलो भाई। चीज लेनी है, चीज लेनी है कि नहीं? छोटे ना तो छोटे लो। चीज लेनी है कि नहीं? मैं फिर बैठा ही हूँ, पैसे मेरे पास ही। हम जब सारा कुछ कर लेंगे ना, बिल करने के लिए आ जाना। मैं इधर से घर चले जाऊंगा। भाई नहीं आ रही, टीट है। चलो यार चले यार, हम लोग फिर चल के शॉपिंग, उसमें बड़े खजाने हैं। तुम्हें क्या बताओ? अच्छा कितना खजाना? तुम्हें पता है पहले मेरे बैग से चोरी होगी। चल ठीक है, कितनी? 10,000। अच्छा तो अब 10,000 यही वाले ना बोले? चला चले। नहीं ये वाले नहीं थे, हॉस्पिटल में हुई। अच्छा क्या पता यही हूँ मैं, तुझे चीज दिलवा के। अच्छा हॉस्पिटल में हुई थी बाकी ना कर, लेकिन वो ये 5,000 वाले नहीं। ये अच्छा नोट बदल नहीं सकते, अकल की मलिका। अच्छा यार देखा, एक दफा मुझे याद आ गया, शायद इन्होंने मेरे इसने मेरी अलमारी से मेरी चीजें निकाली और मुझे कहता आज पार्टी करे। इसकी चीजें ही मैं इसको खिला दूं। यहां पे लेके है, मेरा 10,000 निकला और उसके पास 10,000 ही क्यों है? भाई मैं हॉस्टल में बैठा, 10,000 नहीं है मेरे पास, ज्यादा है पैसे। तो तुमने मुझे 10,000 दिखाए हैं? मैं तुम्हें दिखाता हूं, अगर ज्यादा मुझे तो 10,000 की चीजें लेके दे रही हो। वो जो ज्यादा वाले हैं वो भी तुम्हारे ही होंगे क्या? नहीं मेरे बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। निकले मुझे मेरा 10,000 दे। हॉस्पिटल से निकले, घर से निकले तो हॉस्पिटल में तुम ही मेरे साथ थे। मैं अंदर गया था। हाँ ओए अल्लाह का खौफ खाओ, क्या हो गया ये, कहीं बोर्ड ना गिर जाए तुम्हारे ऊपर। चलो इना पहली चीज मैं आपको दिलवाने ले आया हूँ, ये उठा दो। मैंने किचन की चीजें तुझे कोई नहीं ले। भाई मैं ये मैंने कहा ना मेरी मर्जी, नहीं नहीं तवा लेना ही पड़ेगा, हमें बड़े कमेंट आए थे भाई ऐसा तवा चेंज कर दो। नहीं नहीं चलो यार, मैंने चीजें खिलाने का वादा किया था, खाने वाली चीजें लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी तुमने। या ये जूतियां, या ये जूतियां खानी है, क्या लेना? प्यारे तो प्यारे तो लग रहे हैं, लेकिन ये अगर खाने हैं तो फील ले लो, अगर तो पहनने हैं। अभी हम लोग घुसे ही हैं और प्यास लग गया इसको। अली बस कर दो, सबसे पहले तुमने खोल, ये बंद करो। तुमने क्यों खोली? मैंने नहीं ये खोली, मैं तो ये वाली खोल रही थी। क्या पीना पीना है ये भाई? पानी नहीं पकड़ेगी सादा। अच्छा पहले ये प्राइस देख लिया कि प्राइस भाई क्या क्या है। ये लो ना, ये वाली कोल्ड ड्रिंक ले लो। नहीं ये पानी है, ऊपर से नजर नहीं आ रहा। मैं कह
चाहिए। क्या लेना है जल्दी पकड़ लो यार, ना इतना सोचो यार। अच्छा इसको समझ में नहीं आ रहा, ये वाला फ्लेवर भी, ये वाला भी, ये वाला भी लेने। मैं तुम्हें बताऊं सबसे मजे का कौन सा, कौन सा? ये जो है ये पर्पल कलर, ये नहीं फाड़ी क्या? ये तो बाद में पछताएगी, मैं बता रहा हूँ बाकी हकीकत। ये ज्यादा मजे का लगा था, ये ज्यादा बड़ा अच्छा टेस्ट है इसका। शाही साहब शाही साहब ये प्राइस देख रहा बाबा जी। चले जी शुरू हो चुकी है सर, तुमने चुईया। हाँ हाँ रखो, तुम तुम्हारी तुमने खानी है, मैंने खानी है, मैंने खानी है तो मैं रख लेता हूँ। शाबाश यार, पीछे वाले डिब्बे निकालो ना, मेरा हाथ ही खोल रहे हैं। मैं इसको लेके क्यों आया हूँ? ये लोग तुमने खोले हुए और उन्हें प्राइस फुल डिब्बे की दे रही है। शाही साहब निकालो, ये आपके साथ ही खड़ा हुआ। मैं तुम दोनों को लेके क्यों आया हूँ? ये हरकतें हम कर चुके हैं इसलिए हमें पता चल जाता है। मैंने नहीं की, मेरे कोट के पॉकेट्स के अंदर ये डालती होती थी। चलो चलो ले लो ले लो, लो बिस्किट के डिब्बे ले लो, एक बिस्किट नहीं उठाना कोई भी, ठीक है? पूरा पूरा डिब्बा लेना है। ये कितने दे रहे? 5 ले ले, ले ले या शीमा 10 ले ले, 10 ले, 15 ले ले, 10 ले लो पर अलग अलग फ्लेवर। यार खैर है आज भाई, मैं कह रहा हूँ कि मेरा दिल बहुत पता क्या लग रहा है, शायद क्या लग रहा है इसने ना, जब बिल करवाने जाना है ना मुझे वहाँ पे छोड़ के आगे भाग जाए। नहीं मैं इतना तुम्हें बुरा लगता हूँ, बताऊँ क्या करना? ये मेरे हाथ में पकड़ाना, तुम लोग पहले बाइक कर जाओ, ठीक है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो आना भी नहीं है तुम्हें। तो जी अब हम लोग ये ले के अपनी बिस्किट वगैरह इसको दिलवा के तो फिर हम लोग चलते हैं। वैसे तुम पूरी जिंदगी ये बिस्किट खा खा के थक नहीं जाओगी? इतने बिस्किट बेटा घर पे मैं ताला लगा के रखूंगा, डेली का एक बिस्किट दूंगा मैं, बताता हूँ। पैसे किसके हैं? नहीं मैं लेकर देना। मैंने तुझे पहले क्या बोला कि मैंने जो भी लेना है अपनी मर्जी से लेना है, इसको मैं शराफत से वापस रख दू। ये पहले कम चीजें नहीं मैं लेना बेटा, तू खा तो उनको मैं जाकर बताता हूँ ये लड़की है चोर, ये चोरी कर रही है। मैं तो नहीं इसका बिल दूंगा। हाँ तो मैं बिल कसम से एक टका भी नहीं इसका दूंगा। मेरे बगैर तुम लोग घर नहीं जा सकते। ही क्यों नहीं जा सकता? ही जाके दिखाओ। मैं बेटा जा सकता हूँ, टेंशन ना लो, अब मैं चले जाऊंगा बेफिक्र। खवा दे शायद का दिन कह ये गई। अच्छा तुम्हें वैसे डर खौफ नहीं लगता? क्यों आके तुझे पकड़ लें? ये क्या कर रही हो लड़की? तो ये जूस पी के नहीं वहाँ पे रखे? तो वो तो रखे ना, बिल कटवाना है। ये तुम खोल के खा के वापस रख सकती है, छोटे होते तुम यही करती होती। ये इनके काम देख लो यार, चोरों के खाने दे दो यार, खा के ना वापिस रख, ना वापिस रख दे, वापिस रख दे। ₹600 नहीं बल्कि उससे ज्यादा तो ये है यार। चल तू ये ले ले, जा खुश रह, आबाद रह, इसको साइड पे रखो, इनमें ना रखो। इनमें तो क्यों नहीं रखनी? तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल रहा है शाहिद सरप्राइज नहीं सदमा, सदमा मिलना है यार। जो भी होने वाला ना, मैं आपसे हर बहुत खुश हूँ। खुश हो? अभी अभी तुम उदास हो जाओगे थोड़ी देर में, देख लेना। यार मुझे तो यकीन नहीं आ रहा अली को आज कौन से दौरे पड़ गए, इससे पता नहीं कौन सा ख्वाब देख लिया है। और इस टाइम मुझे लग रहा है शायद मैं ख्वाब देख लूँ। अब ये देखिए कैसे यहाँ पे मेहनतें कर रहा है, कह रहा है तुम्हें मैंने जूस पिलाने। यार मैं इतने जूस पी के क्या करना है, मैंने मरना है? ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है यार। ये पता नहीं क्या भाई, तुम्हारी सेवा कार्ड है देख लो भाई। ये मैंने बताऊँ क्यों लिए हैं? क्यों? ये ऊपर क्या बना हुआ है? टाइगर। तो तुम्हें शेर बनाना, शेर ठीक है अपन पहले शेर नहीं।
वुमेन। मैं शाही ने अब साइड में बताऊं क्या बता दिया क्या? कि वो तुम्हें बता चुका ये किसके लिए जा रहा नहीं बता। इसलिए तुम उसने मुझे ये कहा है हीना बच्चों को थोड़ी सी देनी है, मूसा दुआ को देनी है, ठीक है, और टोटो को देनी है। मैंने कहा मुझे तो कोई मसला नहीं, मैं तुम्हें चीजें लेंगी। नाम ही नहीं लिया मैं, सुनाऊं काम में मेरा नाम चला लो क्या? ये क्या चीजें हैं कसम से यार, ऐसे भाई। और मुझे लग रहा है इन्होंने मुझे वापसी पे जाकर ना किसी नए शहर में धक्का देना है, ठीक है, चीजें लेके इन्होंने फूड हो जाना है। और मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। सबर करो, देखा इनके इन सबर करो में वो एक जग्गू डोन वाली चीज आ रही है। कोई नहीं भाई, ऐसी एक स्पेशल चीज ले, मैंने इसको बोला क्या कहा था, वो बस तुम्हारे लिए ये फर्नाइल की बोतल सुबह सुबह नाश्ते में गिलास में सार डिटर्जेंट टूथपेस्ट करने के लिए, कोई मैक्स का लेमन मैक्स खुशबू वाला यूज करना तो रोज वाला भी चलेगा। यार अली तुम लोग फजूल में, अली अभी मैं कुछ तुम लोगों को बहुत करारा बोलने वाली थी, मैं चुप कर गई हूँ सिर्फ कि चलो यार कोई नहीं बच्चे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों को? ना तुम कहती हो ना कि मुझे वॉशरूम में बड़ी तंगी होती है सफाई करने के लिए, चेक कर नई चीज आई है, ऐसे वॉशरूम में डाला ऐसे इसको पकड़ा। हाँ ताकि इन दोनों के जैसे एक बड़ा चूहा एक निक्का चूहा, ऐसे जो चूहे और कॉकरोच होते हैं उनको भगाने के लिए। हाँ जी ये फ्लैश नीचे फंसा होना कैसे ओनली फॉर योर गिफ्ट। ना 10,000 में स्कूटी कोई नहीं आती, तुम्हें वो ले लेता हूँ रिमोट कंट्रोल स्कूटी। मैं कलर सेलेक्ट कर रही हूँ, व्हाइट चाहिए, व्हाइट अच्छी लगेगी, रेड अच्छी लगेगी। ये सही है, वो तो बाबूओं वाली व्हाइट भाई, जब लेनी नहीं है तो फिर चल कलर चेक कर। मैंने लेनी है कब? बस बहुत अनकरीब है स्कूटी लेने वाली, वो अनकरीब जब भी लेनी है ना तब आना। आज हीना ना ड्रामे कर, हीना तुमने टाइम जाया कर दिया कसम से, तुम जाके लो देख लो, तुम इधर शीशे से बाहर ना। वो यार इसकी सीट भी बड़ी सॉफ्ट है, थोड़ा दूर यार मैं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर जी फाइनली हम लोग ये सामान वगैरह लेके निकल चुके हैं। और जी इसको मैं बता चुका हूँ, और इसको पहले भी पता चल चुका था कि जी शाही ने इसको बता दिया था पहले ही घर से निकलते हुए, कि मुझे फील हुआ है कि यार ये ना इसको पता कि किसके लिए सामान है। अच्छा जी वैसे नहीं कैसा फील हुआ, 1000 वाली चॉकलेट 300 के कह के ले लिया। कितने की? भाई मेरा इसने अलग से 1400 रुपया लगवाया, ये मैंने अलग अलग बिल करवाए हैं क्योंकि ये जिनके लिए जा रहा है इनमें से भाई एक चीज़ भी हम पे हराम। अभी हम लोग एक और आपको स्टोरी सुनाते हैं। ये हमने एक एक चॉकलेट खाई थी जैसा कि आप लोगों को पता है, ऐसे ही है ना? बोंगे? क्या बोंगे? नहीं बोंगे नहीं, मैं तो बाप स्टोरी में सुनाऊंगा भाई। ये देखो भाई ये चलाको मासी को, ये किधर है वो तीन चॉकलेट, वो बॉक्स किधर? नहीं यार वो बॉक्स जो था ना उसके अंदर खराब खराब हुई थी, उन्होंने बिस्किट वाली साइड पे फेंका हुआ था। या अल्लाह मैंने चकला मैंने चकला, मेरी इतनी हंसी निकली, मैंने कहा यार हम तीन ही बंदे थे और तीन ही चॉकलेट अंदर से, उनको पता ही नहीं, उनको फिर भी नहीं आ रहा आइडिया नॉलेज वाली वैसे बात है, बस कभी कभी बहरे और गूंगे बनना पड़ता है। हाँ वैसे ये तो है राइट। तो जी उनको मेरे ख्याल से फील हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी भाई नया बॉक्स ला के दे दिया और उन्होंने वो वाला वापस रख लिया, हमें तीन चॉकलेट एक्स्ट्रा मिल गई ब्रो। अब हम लोग एक एक फिर खाएंगे। शाही नहीं खा रही, शाही खोल 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 ब्रो, भाई आपको वो ही मिलेगी। अच्छा मैं घर जाकर खुद दूंगी यार, मैं घर जाकर दूंगी। चल यार शाही तुमने कहा था यार, मैं ना एक साइड से निकाल लेता हूं। नहीं 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 मैंने बंद रखना, मैंने अपना डिब्बा बंद रखना है यार, डिब्बा तेरा बंद हो, मैंने पहले पिक्चर बनानी है। डिब्बा डैमेज कर दिया, देख लो भाई उसकी जान इधर आ गई है, रूह उसकी निकलने वाली थी। चले यार अच्छा खेलने के लिए उसने छोड़ दिया भाई। अच्छा यार सीन ये है कि ना अभी 10,000 जी हमें एक डोनर ने भेजा था कि जी आपने डोनेशन करनी है, बच्चों को आपने पहुंचाने हैं, उनके माँ बाप उनको छोड़ जाते हैं बगाया, अफसोस वाली बात है यार कि अपने बच्चों को खुद छोड़ के जाते हैं उधर। तो जी ये 10,000 हमें भेजा था, उसमें से अभी 10,000 पूरा नहीं लगा, उसमें से लगा है जी ये तो हमारा बिल है, और ये है जी उनका बिल, 6,060 रुपये लग चुके हैं और 3,930 रुपये बच गए हैं, 38 रुपये सॉरी। ठीक है ये जी जो अलग से बिल था जो हमने खाया, ये जो हमने खाया वो हमने अलग अपना पे किया, और वो बिल भी हमारी बहन ने चॉकलेटों के डब्बों के साथ गेम खेली। भाई 1100 का तो वही है, हमने तो 300 की चीज़ खाई है।
कॉल्सन की स्लेंटिस पाकिस्तानी ब्रांड मैंने कोशिश किया था कि मैं लूं, कॉल्सन की स्लेंटिस नहीं मिली, तो हम लोग वो भाई रस्ते से लेंगे स्नैक्स ऐसा के पता है कि इसको पता था, लेकिन मैंने फिर भी कहा कोई बात नहीं, तो इसको मैंने फिर भी ले दिया भाई, बहन है बहन का इतना हक बनता है। मुझे पता था तो मैंने अपना ये साइड से निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि मेरा हक बनता है। अभी मुझे अब बड़े भाई के साथ 50-50 होगा, वादी हुआ, मजा आएगा। यार मैं तो वैसे तुम्हें कह के गया था मेरी मर्जी की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी मैं तुमने जो निकाला ना, मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार इन्हें भी चले जाना है, इन्हें भी टूट जाना है, अल्लाह को बैठ गई हूँ, ये नहीं रखा अंदर सामान, तो ये मेरे काम है। वाह, अच्छा खाना है तुम्हारा काम। हाँ। लोग ले आए स्लेंटी, ये देखो ये चूहे की तरह टुक रही है, देख रही है। मैं देखी थी कौन सा फ्लेवर है। एक वेजिटेबल का लिया है कॉटन, और एक लिया है सादा स्लेंटी सिंपल साल्ट। तुम्हें मैं ये दिखाऊंगा ना, तुमने बस देखनी है, देख के बस तुम्हें गुजारा करना। तुम आज गई थी उधर से ले आती, इतना बड़ा बैग था उसमें था एक टका नहीं, गरीब लो। मैंने अगर अपना बैग यहाँ पे खोल दिया ना, गरीब लो। बाकी यार आप लोग भी हेल्प किया करो, ठीक है, ये जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनको छोड़ जाते हैं किसी एनजीओ में या फिर ऐसे इदारे में, तो बाकी हमने तो यार अभी तक मेरी जेब में नहीं थे पैसे, मैंने तो नहीं की अपनी तरफ से हेल्प, जितना कर सका मैंने जी, हमने मैंने नहीं मैंने भाई ने, तो ये इनकी भी है हेल्प, तो जी उनको भी अल्लाह पाक उनका अजर दे और हमें भी दे। बकाया जी कल जाएंगे हम लोग ये तो देने। दे एक एक चॉकलेट दे। तुम लोगों ने खा ली थी ना, ये तुझे फिर पूरा डिब्बा किसने लेके दिया? बस कर माँ। यार कहाँ पे कौन सी खाई है, कौन सी खाई है हमने, तो ये तो चेंज करवाई है ना, कौन सी चेंज करवाई है, ये मेरी है ना, कौन सी है, मैं किसी को दूंगी ना, हमें टेस्ट करो है कौन सी। तुमने भी क्या कहा था, घर जाके ले लेना अपनी जुबान, मैंने कहा था सना चल ना ले, गाइस देख लो मम्मा को दूंगी, मूसा को दूंगी, भाई वो वीडियो में रिकॉर्ड है, आंत तो निकलवा के यार रख दे, पैकेट बनवा लेंगे नहीं बनवा लेंगे, अब मैं थक गई हूं, पैकेट इकट्ठे बना लेंगे, इकट्ठे कर बना लेंगे, कल बनाएंगे, आज के 12 बज रहे हैं, कल जाते हुए इकट्ठे बना लेंगे, मैं बना लूंगी, नहीं तू तुझे मैंने कह दिया बना ले, मैंने ना 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 भाई, मैं तेरे साथ तेरे सर पे खड़ा हूँ कैमरा लेके, मैं सोने जा रही हूँ, एक पैकेट उधर और दो यार ना रखवा दे यार, आ जा इकट्ठे रख ले, पैकेट यार ये इनको देख लो यार कितनी बड़ी फिल्में हैं ये, वैसे कोई मसला नहीं बोल। One hour later ये इधर ले, अली ना करो ही ना, बीचे तू चीज देके वापस आ। अच्छा हिनाश एक चीज नोट कर, चॉकलेट की बारी उनका बाजू बाजू का सही होगा। पहले भाई इसके बाजू में दर्द थी, तेरा बाजू सेट हो गया, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है, फिर दर्दी वाला खाने पीने का मामले में। चलो यार इधर ही हम लोग को एंड करें, और कोई पैगाम हो यार जिनके पास अल्लाह ने जिनको बहुत नवाजा है उनके लिए। यार बच्चे जो है ना माशाल्लाह से हमारे बहुत ही प्यारी एक मखलूक है, ठीक है, इनकी आप लोग जितना भी इनके लिए कर सकते हैं ना किया करें, और बाकी मैं यही कहूंगी कि खाली खाली बच्चों के लिए नहीं, जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं जिनके जो बेटे बेटियां अपने बाप को माँ को भेज देते हैं एनजीओ में, तो बहुत ही गलत है, कहते हैं ना एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन वही 10 बच्चे अगर एक माँ बाप को नहीं अगर करते ना, मैं कहती हूँ यार यहाँ पे इंसानियत खत्म हो जाती है, तो ऐसे ना करें, अपने पेरेंट्स की कदर करें, और अपने बच्चों की आप लोग उनको बहुत ज्यादा आप लोगों की, इंसान के बच्चे को कहते हैं सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने माँ बाप की, बिल्कुल ठीक है, तो खैर बच्चे तो बच्चे होते हैं वो किसी के भी हो, तो इसलिए आप लोग भी उनका ख्याल करें, आपके आसपास जो भी है ठीक है उनका जितना हो सकता है उतना ख्याल करें, ठीक है, एक मतलब आपके अंदर खुद ब खुद ऐसी फीलिंग्स आ जाती है, आपको कदर होना शुरू हो जाती है, तो आप लोग भी मिलजुल के रहें, प्यार से लड़ाइयाँ झगड़े हर घर में हो जाते हैं, ठीक है, तो बस एंड पे मैं यही कहना चाहूंगी, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, अपना ख्याल रखें, हम लोग अपने भाई से पूछेंगे आप सबका एंड हो ना हो, लोगों को मोटिवेट करना हो
उसके लिए फिर क्या हल है ये बताओ। नहीं, वो तो बात अच्छी है, वो मोटिवेट। बाकी बॉस ये जिसने पैसे भेजे हैं उसने मुझे खुद मना किया था यार मेरा नाम ना लेना, ठीक है। यही तो बात, और उसने भी यही बात की थी कि एक हाथ से दो तो आपके यार दूसरे हाथ को ना पता चले, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लोग मोटिवेट हों और वो खुद जाएं। और क्या था यार, कोई 100 में से एक बंदा भी नहीं होगा बॉस, 100 में से एक नहीं 10-15 तो होंगे भाई। यार एक भी हो जाए भाई बहुत बात है, इंशाल्लाह एक तो होगा, उम्मीद है भाई। खुश रहें भाई, सीधी बात है, हैप्पी रहें, जब हैप्पी रहेंगे फिर सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। और बाबा जी जो फीलिंग होती है ना बंदे की बहुत अच्छी हो जाती है, सुकून हो जाता है। फर्स्ट टाइम मैं और अली गए थे, हम दोनों, एक नाइजीरियन था लड़का दोस्त हमारा क्रिस, उसके साथ गए थे, बड़ा मजा आया, छोटे छोटे बच्चे बड़ा फ्रेश हुआ। और यार मैंने एक चीज मैं देख के हैरान हूँ कि जो हमारी कंट्री के अपने लोग हैं ना वो ही अपने बच्चों के साथ इतना नहीं कर रहे, वो हमारे है ना यार मुसलमान है, और वो नाइजेरियन हो के पाकिस्तानी बच्चों के लिए इतना कर रहा भाई। ये तो चीज सोचने वाली है। घर में दाल बनती है ना वो कहता चिकन बने, जिसके घर में चटनी होती है ना वो कहता दाल तो बने सब्जी तो बने। हाँ जी, लेकिन उसको ये नहीं पता फलाना फलाना भूखा सो रहा है, उसको तो चलो उसके पास तो एक नवाला भी नहीं है, उसको आधी रोटी अपनी दे दो, ये चक्कर नहीं। चले यार इधर ही हम व्लॉग को एंड कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। और जी अपने आसपास हर गरीब की जो जी कमा नहीं सकता उनकी हेल्प करते रहें। बाय बाय।